हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। मैं सब दोस्तों का वेलकम करता हूँ मेरे चैनल कंप्यूटर कोड पे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है एपीआई से रिलेटेड है, जिसमें हमने लास्ट प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हमने एक सिंपल एपीआई को हमने हिट करके डाटा कट करके डिस्प्ले किया था। उसके बाद हमने एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एपीआई ली थी, और उसमें हमने जेसन फ्रेजर वगैरह देखे थे, और उसको देखा था कि मॉडल क्लास हम ऑटोमेटिकली जो है एक छोटी सी कमांड लगा के हम किस तरह रन कर सकते हैं, एक हमने वो देखा था। इसके बाद फिर मैंने आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था कि आपको मैं एक वेबसाइट है मैं उसका लिंक दे दूंगा, उसमें आप ऑटोमेटिकली जो है आपकी जेसन जो है वो जेसन आप उसमें डालेंगे और वो ऑटोमेटिकली आपके साथ वो आपको वो जनरेट करके दे देगी मॉडल क्लास। तो एक तो मैंने वो चीज़ नहीं बताई थी, और सेकेंडली जो है आपको मैंने बताया था कि लास्ट लेक्चर के अंदर एपीआई के अंदर के हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में डाटा किस तरह पास करेंगे, हम ये चीज़ देखेंगे। तो बेसिकली इसके जो है तीन मेथड के थ्रू जो है हम वो डाटा पास कर सकते हैं। तो देखते हैं आज की डेट में हम उसको वो किस तरह डाटा हमारा जो है वो पास हो जाएगा एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन के अंदर। तो मैं जो है हमारा ये फ्लटर एपीआई पार्ट टू इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, और एक दफ़ा हम इसको मज़ीद एग्जीक्यूट भी एक दफ़ा करके देख लेंगे, और मैं आप थोड़ा सा ओवरव्यू भी दे दूंगा कि हमने क्या किया था और क्या क्या नहीं किया था। तो सर्दी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि दिसंबर है। मैं खुद पर्सनली बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही, तो अपना और अपने प्यारों का ख्याल लाजमी रखिएगा, क्योंकि सेहत से ही अगर आप कोडिंग करते हैं, अगर आपकी सेहत नहीं अच्छी तो आपके ट्रस्ट में कोडिंग करने का भी आपका दिल नहीं करेगा। ओके सो इसको मैं करता हूँ जस्ट अ सेकेंड, वो एनालाइजिंग वगैरह हो ले। तब तक जब तक एनालाइजिंग होती मैं क्या करता हूँ, हमने अपना एक प्रोजेक्ट जनरेट किया था। प्रोजेक्ट जनरेट करने के बाद हमने उसका एक फ्रंट एंड बनाया था। फ्रंट एंड बनाने के बाद सिंपली यहाँ पे हमने दो चीज़ें ऐड की थी, एक जेसन एनोटेशन है ये डिपेंडेंसी ऐड की थी एचटीटीपी फॉर हिट रिक्वेस्ट और डाटा गेट करने के लिए, और जेसन सीरियलाइजेबल है एक ये डिपेंडेंसी और बिल्ड रनर है। ये तीन चार डिपेंडेंसी थे जो हमने इंस्टॉल की थी। इसके बाद हमने मॉडल क्लासेस बनाने के लिए, ये हमने मॉडल क्लास बनाई थी, ये जो काम कर रही है जेसन एनोटेशन कर रही है, और ये जो है हमारे नेम, ये जो हम वैल्यूज पास कर रहे हैं ये एक्चुअल में हमारी कीज़ है जिसके थ्रू डाटा हमारा जनरेट हो रहा है। और इसके अलावा इसकी मैं जी क्लास में आता हूँ तो ये जो है बिल्ड रनर के थ्रू हम ऑटोमेटिकली इसको जनरेट कर लेते हैं। तो ये हमारी एक मेन स्क्रीन थी, मेन स्क्रीन के अंदर ये देखिए ये हमारा डाटा ओके डॉट कंपनी डॉट मॉडल डॉट बी एस यानी कि बिजनेस इस तरह समथिंग था, लेकिन मैं इसके इंडेक्स के अगेंस्ट उसका बंदे का नाम ही मैं लिखता हूँ डॉट यू नेम, ताकि वो उसका यूज़र नेम ही आ जाए। ओके जी, तो इसको साथ में मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ हमारे एमुलेटर को। ओके भाई साहब, आप जब तक एग्जीक्यूट होते हैं हम बाकी की चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारी ये मेन फाइल थी, मेन फाइल के अंदर ये कुछ हमने लिस्ट व्यू बिल्डर लगाया था, और आइटम डॉट काउंट मैंने हार्डली दिया हुआ था। इसको मैं आइटम डॉट काउंट को टू की बजाय मैं यहाँ पे हमारे पास जो लिस्ट है डिस्प्ले मॉडल, यस डिस्प्ले मॉडल डॉट लेंथ लेंथ कर दूंगा, और इसको मैं कर दूंगा कि भाई ये नल नहीं है। ओके तो वो बोल रहा है कि इसको आप ये कर दें डिस्प्ले यूज़र मॉडल, ठीक है। तो हमने उनको बोला था ठीक है, आप इसकी बजाय अगर हम ये कर दें तो ये मेरा ज़्यादा बेटर रह जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी वैल्यू जो है वो नल ना हो। तो मैं ये नॉट का साइन लगा दूंगा तो बोल दूंगा कि नहीं भाई, क्वेश्चन मार्क जो होता है वो बोलता है कि ठीक है आप इसको नल जो है वो रहने दो, और जो नॉट का साइन होगा वो हमें बोलेगा कि नहीं आप इसको नल नहीं करना है आपने। तो यहाँ पे ये हमारी ऐप बार है, ऐप बार में मैंने देखा था ये चीज़ें। अच्छा ये कॉन्स्ट मैं हर चीज़ की यूज़ करता हूँ, किसी बंदे के माइंड में होपफुली क्वेश्चन आया हो या ना आया तो मैं इसको थोड़ा सा प्लेस करके बता देता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास एक डिज़ाइन है, और उस डिज़ाइन के अंदर एक बटन है टॉगल बटन, लाइक जस्ट इंस्टाग्राम के अंदर लाइक का बटन होता है। तो वो टॉगल बटन जो है ना बार बार हम उसको दबाते हैं, अगर कॉन्स्ट नहीं लगाएंगे वो क्या करेगा, वो वाला पूरा का कार्ड दोबारा रीजनरेट करेगा। अगर हम वो कॉन्स्ट जो जो दूसरी चीज़ें हैं जो स्टैटिक हैं उनको हम कॉन्स्ट लगा देंगे, वो उन चीज़ों को दोबारा रीजनरेट नहीं करेगा। जिसके साथ कॉन्स्ट नहीं लगेगा वो सिर्फ उसको रीजनरेट करेगा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा, जब आपके लेट्स सपोज आपके ऐप के थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ यूजर्स होंगे तो वो इस तरह होगा। और सेकेंडली जो मेरे साथ ग्रुप में अटैच में मैंने उनको बताया था कि आप जो हैं हवावे के डेवलपर अकाउंट में अपना अकाउंट बनवा लें, क्योंकि वो बहुत वो फ्री दे रहा है, और उसमें आप अपनी मर्ज़ी से ऐप्स भी जो है वो अपलोड कर सकते हैं। ओके 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 वेयर इज द इशू डॉट यू नेम,
ओके हाँ, ये क्या किया हुआ आपने? सॉरी भैया, हमने गलती चाहते हैं, हमें ये नहीं करना चाहिए था। डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो उसकी गायब हो जाती है अगर हम नॉट लगा देंगे तो। ओके, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ जी। तो ये देख रहे हैं, ये अब ये मेरे पास पूरे जितने भी लोडिंग लेगा, और लोडिंग लेने के बाद अब जितने भी यूज़र्स हैं उनका सबका नेम आ गया। ओके जी, यहाँ तक अब हमने काम कर लिया था। अब हम अपना दूसरा काम करते हैं, मेन स्क्रीन। ओके, यहाँ पे मैंने एक गलती की है, वो मिस्टेक ये है कि मैंने बाकी सब की चीज़ें तो बना ली, यानी कि ये सर्वर जिस तरह बनाया है मैंने रिक्वेस्ट करने के लिए, कि यहाँ पे ये डाटा आ रहा है और वो इधर जा रहा है, और इधर जाने के बाद वो मैप के लिस्ट की फॉर्म में आ रहा है, वो डिकोड हो रहा है, और उसके बाद हम वो लिस्ट रिटर्न कर रहे हैं। मैंने एक यूआई का नाम नहीं बनाया फोल्डर, चलो बना लेते हैं। या मेन स्क्रीन है, मेन स्क्रीन के अंदर ही मैं ना एक फाइल और बना देता हूँ, उस फाइल का नाम रख देता हूँ यूज़र डिटेल। तो यूज़र डिटेल, और यहाँ पे एज अ यूजुअल जो हम एक काम करते हैं, इम्पोर्ट फ्लटर मटेरियल, सेम वही चीज़, और स्टेट लेस मैं इसको बना रहा हूँ, और इसका नाम रखता हूँ यूज़र डिटेल। ओके, और यहाँ पे मैं कंटेनर की बजाय क्या रिटर्न करूँगा, स्कैफर्ड रिटर्न कर दूंगा, और स्कैफर्ड के अंदर मेरी एब बार आ जाएगी, और एब बार मेरी क्योंकि वो कॉन्स्ट है, स्टैटिक होगी, तो एब बार आ जाएगी, और उसका टाइटल सेम वही चीज़ टेक्स्ट जो हम करते हैं। अच्छा जी, ये क्या एरर दे रहा है जी? रिमूव कॉन्स्ट ले लिया हमने, रिमूव कॉन्स्ट कर दिए, इसको हम करते हैं कॉन्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं यूज़र, या यहाँ पे ना मैं बंदे का नेम शो करता हूँ, नेम, यानी कि वो जिस बंदे का नेम होगा वो, लेकिन वो यहाँ पे हम वाया वेरिएबल हम करेंगे। और आज मैं आपको एक अच्छा तरीका और बताऊँगा जो आप लोगों को, लेकिन वो स्टेट लेस में नहीं होगा, वो स्टेटफुल में होगा। चलें किसी और क्लास में हम देख लेंगे, वो स्टेटफुल के अंदर हम वो स्टेटफुल वाला जो मेथड होता है वो कौन सा तरीका है, वो फिर एक और अच्छी चीज़ है, वो सीखने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ओके, तो बॉडी के अंदर आ जाते हैं, मैं ले लेता हूँ कॉलम, ले लेते हैं या सेंटर। ओके, सेंटर चाइल्ड। ओके, इन सबको मैं कॉन्स्ट सेट कर देता हूँ ताकि इशू ना हो। कॉन्स्ट चाइल्ड साइज बॉक्स, साइज बॉक्स बाद में, पहले मैं ले लेता हूँ कार्ड। हाँ जी, कार्ड आ गया हमारे पास, और इसके अंदर मैं डिफरेंट डाटा डिस्प्ले करवाना है, तो यहाँ पे कार्ड, और कार्ड के अंदर मैं ले लेता हूँ रैप, ले लेते हैं हम, देख लेते हैं चाइल्ड, और यहाँ पे हम विजेट ले लेते हैं रैप, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें हैं तो हम वो ज़्यादा चीज़ों को डिस्प्ले कर लेते हैं। रैप के अंदर चिल्ड्रन आ जाएंगी। ओके, ये क्या बोल रहा है? ओके, वो बोल रहा है इसको कॉन्स्ट नहीं, आप रैप को रख सकते क्योंकि ये डायनामिकली कुछ ना कुछ करता होगा। ओके, डायरेक्शन एक्सिस डॉट वर्टिकल जी, आपने डायरेक्शन जो है इसकी वर्टिकल होनी चाहिए, और वर्टिकल डायरेक्शन वर्टिकल। ओके जी, रन स्पेसिंग इसके अंदर दरमियान में स्पेसिस कितनी होनी चाहिए, हम 20 की लिख देते। ओके, तो सेम वही टेक्स्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। हाँ हाँ क्या क्या चीज़ें थी हमारे पास डिस्प्ले करने के लिए, जस्ट ये नहीं। ओके, नेम। ओके 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 ओके, पहले मैं चाहता हूँ हमारी मॉडल क्लास के अंदर यूज़र मॉडल। ओके, यहाँ पे इसके पास क्या क्या पास हो रहा है, इसके कंस्ट्रक्टर में यूज़र नेम, ईमेल, आईडी, कंपनी मॉडल। कंपनी मॉडल के अंदर क्या क्या है जी? यूनेम, हाँ कंपनी मॉडल के अंदर भी नेम है, आईडी और कंपनी मॉडल। कंपनी मॉडल, वेयर इज कंपनी मॉडल? कंपनी मॉडल ये रहे हमारा कंपनी मॉडल। कंपनी मॉडल के नेम के अंदर कंपनी का नेम है। ओके, कैच फेसिस हैं, और बी एस, ये क्या है, बिजनेस, ये मैंने कुछ लिखा था। चलिए खैर, हम इस तरह करते हैं, हमारी एपीआई को जो है ना वो हिट करके देखते हैं, वेयर इज एपीआई, देख लेते हैं हमारी कंपनी के अंदर क्या क्या चीज़ें। तो काफ़ी थी, लेकिन वो चीज़ एक अलग चीज़ है।
यहाँ पे मैं इसको जाता हूँ और यूजर्स के अंदर, ठीक है जी। कंपनी मॉडल के अंदर नेम है कैश फ्री और कोई कुछ भी इस नाम का है, रियल स्टेट है या समथिंग इस तरह का कुछ। ओके तो यूजर मॉडल अवेयर, हाँ, मेन स्क्रीन, कंपनी मॉडल, इनको भी क्लोज, आप भी क्लोज हो जाए ज़रा, सर्वर डॉट, ये रहा हमारा यूजर डिटेल, यहाँ पे हम लिख देते कंपनी नेम। अभी तो मैं स्टैटिक लिख रहा हूँ, बाद में इसको हम सेट करते हैं, कॉन्स्ट इसको मैं कर देता हूँ, बल्कि ये सारे, बल्कि ना यहाँ पे हम ये ना यूज़ करें, मेरे ख्याल के मुताबिक लिस्ट स्टाइल थोड़ा सा अच्छा लगता है मुझे, लिस्ट स्टाइल। और यहाँ पे इसको एक दफा मैं कॉन्स्ट सेट कर देता हूँ, कॉन्स्ट, और यहाँ पे मेरा टाइटल जो है वो आ जाएगा, टेक्स्ट नेम, सी नेम, सी नेम मतलब कंपनी नेम। ओके, तो इस तरह के मैं मल्टीपल जो है वो लिस्ट स्टाइल्स यूज़ कर सकता हूँ, स्पेसिंग वगैरह खुद ही ऐड कर देगी, या इसके अंदर दो चीज़ें ही हम डिस्प्ले करते हैं, कंपनी का नेम और सेकेंडली हमारे पास क्या था, कंपनी नेम और BS, कैश फेस को छोड़ते हैं, हम BS डिस्प्ले कर देते हैं, और इसका क्या आ जाएगा, सब टाइटल BS, दैट इज BS। ओके, ये मैं कर देता हूँ रिमूव। ओके, तो हमें रैप की ज़रूरत नहीं है, बल्कि रैप मैंने यूज़ ही क्यों किया, मुझे याद नहीं आया यार, आप लोगों ने भी नहीं याद दिलाया कि भाई रैप क्यों यूज़ कर रहे हो, रैप की तो ज़रूरत ही नहीं है, हमने सिर्फ एक चीज़ डिस्प्ले करवानी, लिस्ट में तो कुछ डिस्प्ले ही नहीं करवाना। ओके, तो ये रहा हमारा, अभी हम जाते हैं हमारी मेन स्क्रीन के अंदर, ये हमारी लिस्ट स्टाइल, लिस्ट स्टाइल के ऊपर हम ऑन टैब लगाते हैं, ऑन टैब के बाद अब हम क्या करेंगे, एक तो हम रेफरेंस दे सकते हैं, चले हम रेफरेंस वाला बना के देखते हैं, ऑन टैब, और ये आ गया हमारा ऑन टैब का फंक्शन, और ऑन टैब के फंक्शन के बाद अब हमने क्या करना है, डाटा अपना एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे मूव होना है, वो मैंने आपको बताया हुआ है, गेटेक्स के साथ किस तरह मूव होते हैं, आज मैं बताऊंगा फ्लटर के साथ किस तरह मूव होते हैं। तो कुछ भी नहीं करना, सिंपल गूगल ओपन करनी है और गूगल में सर्च करना है फ्लटर नेविगेटर पुश, बस ये सर्च करेंगे तो ये आपको डॉक्यूमेंटेशन पे ले जाएगा, कुछ भी नहीं करना, कोई ज़्यादा इतना क्रिटिकल कोड नहीं, ये कोड हमारे पास लिखा हुआ है, बस इसको करना है हमने कॉपी, कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये मैंने कॉपी एंड पेस्ट मैंने क्यों किया है, कॉपी एंड पे जब एक चीज़ हमारे पास लिखी हुई है, हम उस मैं उसको बताने में मैं 10 मिनट या 5 मिनट आपके ज़ाया कर दूँ, क्यों करूँ, जब एक चीज़ लिखी हुई है उसको उसको ठीक है, ये देखे नेविगेटर की ये क्लास है, उसके अंदर डॉट पुश का एक फंक्शन है, वो क्या करता है, वो उसको पुश कर देता है, इसको चाहिए क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट इसके अंदर लाजमी रिक्वायर होता है, मटेरियल राउट इसको चाहिए होता है, और वो पेज बिल्डर कॉन्टेक्स्ट, और इसके थ्रू आपने यहाँ पे जो हमारी अगली स्क्रीन है वो बतानी होती है, और यहाँ पे हमारी स्क्रीन का क्या नाम है, यूजर डिटेल, वेयर इज यूजर डिटेल, यूजर डिटेल। ओके, अभी इसके अंदर क्या है जी, इसको मैं सेट करता हूँ कॉन्स्ट, ओके चला जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास की है, जिस सर बोलते हैं ना मेरे पास माँ है, वैसे मेरे पास की है, और की क्या है, यूजर डिटेल है। ओके, कोई होपफुली इतना इशू नहीं है, यहाँ पे पुश है, आप इसको जो है नेविगेटर डॉट राउट डॉट, यहाँ पे रिप्लेस का भी होगा, ये रिप्लेस कर सकते हैं अगर वो पिछली स्क्रीन को डिस्ट्रॉय करना है, लेकिन हमने पिछली स्क्रीन को डिस्ट्रॉय नहीं करना, हमने वापस बैक भी आना है, तो हम इसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। ओके, तो अभी हमें प्यारा सा एक छोटा सा एरर देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे मैं वही उसका रेफरेंस पास कर दूंगा और कुछ भी नहीं करूँगा, साथ में चाय पी लूँ यार, ठंडी हो रही है। ओके, मैं क्लिक करता हूँ, जी बिल्कुल, तो ये सेंटर में तो आ गया, लेकिन थोड़ा अजीब है, इसको करते हैं अच्छा सा,
बल्कि ना इस तरह काम करते हैं इसको, मैं ना कॉलम, हाँ ये ठीक है, कॉस्ट भैया आप तो जरा रिमूव हो, कॉस्ट ये इसको रिमूव ही कर देते हैं यार, ये टेक्स्ट मल्टीपल चीजें यूज करते हैं, टेक्स्ट और टेक्स्ट का नेम क्या, नेम एक मिनट, यूजर नेम, यूनिक कॉमा ईमेल, ओके और क्या क्या था हमारे पास डिस्प्ले के लिए, जरा बैक आ जाए, हाँ नेम का ईमेल, ओके अब कंपनी नेम सी नेम, दैट इज कंपनी नेम, ओके और क्या था मेरे पास, सी बी एस कर देते हैं, सी का जो कंपनी का बी एस है, अब इसको जरा रिलोड करके देखते हैं क्या होता है। हाँ जी ये छोटा सा प्यारा सा बड़ा सा हो तो गया है, लेकिन अब हम इसको क्या करेंगे, कार्ड को हम रैप करेंगे साइज्ड बॉक्स के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास हाइट, और हाइट हम डायनेमिकली करेंगे, मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ बिल्ड कॉन्टेक्स्ट डॉट, ये कॉन्टेक्स्ट लेगा डॉट साइज डॉट हाइट, इसको डिवाइडेड बाय करेंगे 0.1.2 के साथ, कि जितनी भी इसकी वैल्यूज को थोड़ा सा कर दो, सेट कर दो, साइज बॉक्स ले लें, पैडिंग ले लें, वो आपकी चॉइस है, वो कोई इशू नहीं है। और विड्थ इसकी हम जो है वो इसी तरह सेम एज इट ये चीज मैं करूंगा कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं सेट कर दूंगा विड्थ, विड्थ विड्थ तुम पूरी ले लो, नहीं इतनी बड़ी है यार, हमें हम इतनी विड्थ वाले बंदे, हो जा भैया हो जाओ इतनी देर, ओके तो ये देख रहे हैं ये सारा कुछ सेट हो गया, अब ये इस तरह सेंटर में आ रहा है, ये कार्ड तो बहुत अच्छा है, बड़ा सा बन गया, इसका बैकग्राउंड कलर 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 कार्ड, देयर इज कार्ड कलर 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 स्टॉट स्टॉट टॉट 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 टॉट, चलिए ब्लू कर देते हैं, ब्लू के ऊपर ब्लैक जरा सा अच्छा लगता है, ओके ये अच्छा हो गया, इसके अंदर आ गया, हम वो वाली वैल्यू जो है वो वाली दे देंगे। अब मैं आपको दोनों तरीके जो है मैं वो बताऊंगा कि वो हम किस तरह तरीकों के साथ काम करेंगे, ओके ये और इनके दरमियान में स्पेसेस, ओके यहाँ पे हम इसको हम रैप करेंगे, मेरे ख्याल फ्लक्स, फ्लक्स मेरे ख्याल में मैंने कभी यूज़ किया है, चेक करते हैं, नहीं इस तरह नहीं, चल यहाँ पे स्पेसर, स्पेसर तो देते हैं ना हम यहाँ पे, और इसके अंदर फ्लक्स कितना होना चाहिए, 1, ओके सबके साथ यहाँ पे 2 करेंगे तो ये वाले इस चीज़ का साइज थोड़ा सा बड़ा कर देगा और उसका छोटा कर देगा, और वही चीज़ का हम दोबारा चलती रहेगी और ये चलती रहेगी, लेट मी हॉट रीलोड इट एंड सी हाउ डिस्प्ले, ओके वाह दैट्स सो नाइस, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है लेकिन चलेगा यार, स्टार्ट में मैं स्पेसर नहीं देता भाई, स्पेसर नहीं मैं देता, यहाँ पे मैं स्टार्ट में हाइट बॉक्स, साइज्ड बॉक्स, साइज बॉक्स इसके अंदर ले सकते हो, और उसकी हाइट में दे देता हूँ 20 ओनली ऑन जस्ट, और इसको रीलोड करते हैं, ओके स्टार्ट में इसमें थोड़ी सी ले ली, यहाँ पे इस पे थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस, अच्छा सब में फ्लेक्स 1 है, अब इसमें फ्लेक्स 2 करके देखता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे स्पेस ज़्यादा होगी, जहाँ पे फ्लक्स 2 होगा ना मतलब अगले उतनी ज़्यादा स्पेस होती जाएगी,
तो फ्लक्स मैं इसके अंदर वन नहीं कर दूंगा, फ्लक्स वन बल्कि मैं कर ही क्यों रहा हूँ, मैं यहाँ इसको एम्प्टी भी रख सकता हूँ। हाँ एम्प्टी रखने से देखते हैं क्या होता है। तो आज आपको एक नई चीज़ पता चली, जब दो चीज़ों के अंदर डायनेमिकली जब आप बड़े लेवल पे काम करना हो तो ये जो है हम स्पेसर के थ्रू स्पेस देते होते हैं। ये देखिए अब उसने इक्वली सब के अंदर जो है ना वो अपनी स्पेस दे दी है। तो ठीक है ये इनको ज़रा स्टार्ट पे लेकर आते हैं, मेन एक्स क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट। जी भाई आप ज़रा मेहरबानी करके वर्ड्स को बोलते हैं कि आप ज़रा स्टार्ट में आए, आप एंड पे थोड़े अच्छे नहीं लगते हो। ये तो आगे इसको हम रैप करते हैं, हमारी छोटी सी एक चीज़ है पैडिंग, और पैडिंग आल ठीक है देख आल ओके पैडिंग आ गई, अच्छा हो गया ठीक है। इनके दरमियान में स्पेसिस ज़्यादा है क्योंकि वो कार्ड मैंने अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत बड़ा बना दिया, तो आप अपनी नीड के मुताबिक छोटा सा प्यारा सा एक कार्ड बना सकते हैं। ओके अब काम ये आ गया कि अब हम यहाँ पे डाटा किस तरह डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके पहला तरीका, मैंने आपको तीन मेथड बताए थे, तो सबसे जो पहला तरीका है हमारा वेयर इज मेन स्क्रीन, मेन से सॉरी पहले यूज़र मॉडल, और यूज़र मॉडल के अंदर हम एक वेरिएबल बनाएंगे, और वेरिएबल का क्या नाम होगा यूज़र मॉडल, और वो क्या एक्सेप्ट करेगा यूज़र मॉडल, जस्ट सिंपल और कुछ भी नहीं। ये कॉन्स्ट इसका रिमूव कर देते हैं यार, कॉन्स्ट नहीं चाहिए हमें, और रिक्वायर्ड दिस डॉट यूज़र मॉडल, हम बोलते हैं नहीं भाई हमें यूज़र मॉडल लाजमी चाहिए, अदरवाइज ये हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक छोटा सा प्यारा सा एक एरर देखने को मिलेगा, और वो है ओके वो ये आ गया एरर जो मुझे चाहिए था। यहाँ पे ये कॉस्ट भैया तो आप तो गए उड़, और यहाँ पे ये यूज़र मॉडल, और अब हम क्या करेंगे डिस्प्ले यूज़र मॉडल लिस्ट, और यहाँ पे क्या पास करेंगे उसका सॉरी ये हम इन टैक्स। ओके वो बोल रहा है भाई यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, मैं बोलता हूँ सॉरी भाई गलती होगी हमें माफ़ कर दें, इस तरह तो हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये जो ऑन टैब है ना हम इसको यहाँ पे ले जाते हैं, और यहाँ पे आ जाओ आप ठीक है, यहाँ पे ये आ जाएगा, और यहाँ पे इंडेक्स को कर देंगे नल चेक ठीक है, वो वाला इंडेक्स के अगेंस्ट जो वैल्यू है वो नल नहीं होनी चाहिए ठीक है। तो ये एक प्यारा सा कोड है, वेयर इज यूज़र ओके। अब हमारे पास क्योंकि मेरे पास यूज़र मॉडल आ गया, और यहाँ पे मैं यूज़र मॉडल डॉट यूनेम एलिवेशन करेक्शन थ्रो देन एक्सपेक्शन है क्या मतलब, द वैल्यू ऑफ नल कांट बी असाइन टू द पैरामीटर टाइप ऑफ स्ट्रिंग इन अ कॉन्स्ट कंस्ट्रक्टर, कॉस्ट बड़ा तंग करता है यार क्या करें इस कॉस्ट का, लेकिन फायदा भी तो देता है यार कॉस्ट भैया। आपको मैं ज़रा करता हूँ कॉपी, यहाँ पे सबके सामने पेस्ट करता हूँ जिन जिन पे आप हमें ज़रूरत नहीं है। अरे वैसे कभी किसी के माइंड में क्वेश्चन नहीं आया कि हम ये कॉस्ट का जो है ये क्यों यूज़ कर रहे हैं, मैं सिर्फ अब देखे ना मैंने कॉस्ट किया तो उसने बोला था आप तो इसकी वैल्यू चेंज कर रहे हैं डायनेमिकली जब डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। डॉट ईमेल, ईमेल आ गई हमारे पास ओके, और यूज़र मॉडल डॉट कंपनी नेम जो होगा, नहीं यार आपको नल मैंने करना है नॉट नल वाला चक्कर ही नहीं, और यहाँ पे उसका बी एस
पहले ये नॉट नल की सजेशन देता था, अभी ये क्वेश्चन मार्क की सजेशन दे रहे कि आप इसको फोर्स करो कि भाई नल रहो। ओके लोडिंग एंड लोडिंग। ओके ये उस बंदे का नेम, ओ हाँ इस बंदे का नेम, ये सारा कुछ। मैं यू नेम यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि मैंने वो ऊपर डिस्प्ले करना है, यहाँ पे नहीं करना। तो ये ईमेल से हम उसका स्पेस स्टार्ट लेते हैं, और वेयर इज मेरा यूजर मॉडल डॉट यूनिक। ठीक है, और यहाँ पे मैं कॉन्स्ट है इसको रिमूव कर दूंगा तो ये सेट हो जाएगा। ठीक हो गया जी, अब मैं ज़रा रीलोड करता हूँ, वो नेम ऑटोमेटिकली सेट कर देगा उसका। चाय पी ले यार साथ में, भूल जाते बार बार काम करते हुए। ओके जी, बर्ड को देखते हैं जी। ठीक है, ये उसका, ये ऊपर उसका नाम आ गया, ये बर्ड आ गया, और साथ में इसकी ये सारी डिटेल आ गई। तो ये मेरी एप्लीकेशन डिस्ट्रॉय होगी। ये मैंने इसको दोबारा ओपन किया। हाँ जी, एरर्स। अब दो क्यों हुए हैं? क्योंकि मैं कब से हॉट रीलोड कर रहा था, अभी भी मैं इसको हॉट रीलोड कर रहा हूँ। हॉट रीलोड नहीं करना, इसको एक कंप्लीट रीस्टार्ट मारते हैं। ओके जी, एक तरीका तो देख लिया हमने ये मॉडल पास करने का। एक तो ये तरीका है कि हम उसका वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। अब जो दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका थोड़ा सा एक बोल सकते हैं जुगाड़ टाइप बोल रहे हैं, या वो भी एक तरीका ही है। उसमें क्या करेंगे, हम ये पूरी की पूरी लिस्ट पे पास कर देंगे और उसका इंडेक्स पास कर देंगे, और उस इंडेक्स के अगेंस्ट जो उसकी वैल्यू होगी वो वाली डिस्प्ले में आएगी हमारे पास। देखते हैं वो किस तरह होता है। ठीक है, नल ऑफ चौक ऑपरेटर यूज रॉन नल वैल्यू, कौन सी नल वैल्यू? हमारे पास नल वैल्यू नहीं है भाई, सॉरी हो तुम गलत हो, मैं छेड़ रहा हूँ उसको। ओके तो एक ये तरीका हमने देख लिया था यूजर मॉडल, अभी इसी को मैं करता हूँ लिस्ट यूजर मॉडल। ओके मैं इसको तो रिक्वायर किया हुआ है दिस डॉट नेम, और साथ में मेरे पास एक इंट इंडेक्स होगा, और दिस डॉट इंडेक्स इज इक्वल टू, बाय डिफॉल्ट मैं इसको कर देता हूँ 0। इंडेक्स डॉट यू है, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये मेरे जहाँ पे एरर्स आ रहे हैं मैं वहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ओके अब यहाँ पे मेरे पास जो है वो, यहाँ पे मेरे पास इंडेक्स नहीं जाना, डिस्प्ले की पूरी लिस्ट जाएगी। डिस्प्ले यूजर मॉडल और एक इंडेक्स, वही यहाँ पे पास कर दूंगा इंडेक्स। ओके अगर द आर्गुमेंट टाइप ऑफ लिस्ट यूजर मॉडल कांट बी असाइन टू द, अरे क्या बोल रहे हो, आर्गुमेंट वाली जो वैल्यू है वो इसको नहीं असाइन हो सकती? क्यों नहीं हो सकती भाई, हमें तो चाहिए। इसका एक तरीका ये लिस्ट यूजर मॉडल,
चलो क्वेश्चन में आगे अगर वो हो सके तो नल हो जाए। ओके, डिस्प्ले की बजाय वेयर इज द इशू, वेयर इज द इशू, वेयर इज द इशू, वेयर इज द इशू। तुम जरा यहाँ से काटो ना बेटे, मैं बताता हूँ। यहाँ पे आ जा, इशू क्या है समझ नहीं आ रहा। चले हम इस तरह करते हैं, सैंडलिस्ट का नाम रख देते हैं। सैंडलिस्ट इज इक्वल टू सेमी कॉलन यूजर मोड। यहाँ पे से चेक करते हैं सेंड लिस्ट। हाँ ये एक्सेप्ट कर लिए, इतना गंदा है यार ये। ठीक है, ऑड रीलोड, लोडिंग एंड लोडिंग। तो ये देख ले, वो वाला काम भी कर रहा है, ये वाला मेथड भी हमारा ठीक है। तीसरा मेथड आप लोग जो है वो खुद परफॉर्म करेंगे। तीसरे मेथड के लिए सिंपली क्या है कि मैं उस वैल्यू के अगेंस्ट, उस इंडेक्स के अगेंस्ट एक एक वैल्यूज जो है मैं वो पास करूँ। लेट्स सपोज ये यूजर है, यहाँ पे जिस तरह ये लिस्ट मॉडल पास हो रही है, यहाँ पे हम जितनी तीन चार चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पे ईमेल, सी नेम, CVS और ये जो है इंडेक्स और ये जो है यूज़र का नेम, ये सारे वेरिएबल बनाएंगे और उनको यहाँ पे रखेंगे और वो पास करवाएंगे। उस फिर हम यहाँ पे इंडेक्स, उस इंडेक्स के अगेंस्ट जिस तरह मैं ये पास कर रहा हूँ वो वाला पास करेंगे, जिसके थ्रू भी वो सारा डाटा हमारा एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर चला जाएगा। तो ये आप लोगों पर डिपेंड करता है आप लोगों को कौन सा अच्छा लगता है। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया कैंडली वो सब्सक्राइब कर दें, तो इससे मुझे थोड़ी सी सपोर्ट हो जाएगी। तो साथ ही आज हमारा API का सेशन है वो कंप्लीट हो गया, तो इसके बाद हम एक बैकएंड का कोई सेशन रखेंगे, तो वो देखेंगे वो हम किस तरह करते हैं। और एक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को एक न्यूज़ ऐप बनानी सिखाऊँ, ताकि जिसके थ्रू हम जो है हमारे पास जो डाटा है उसको हम लोकली सेव भी करें। सबसे इसके बाद तो मैं एक ऐप बनाएंगे जिसके अंदर हम डायनेमिकली एक पासवर्ड जनरेटर बनाएंगे, जो डायनेमिकली जिसके अंदर वो डिफरेंट चीज़ों को चेक करता जाएगा। चेक करने के बाद वो पासवर्ड हमें जनरेट करके देगा, जनरेट करने के बाद फिर उसको ऑप्शन देगा कि इसको सेव करना है कि नहीं। वो जो सेव पे क्लिक करेगा तो वो उसको क्या करेगा, उसके लोकल डेटाबेस में स्टोर करेगा। तो लोकल डेटाबेस दो तीन तरह की हैं, तो हम वो चीज़ें देखेंगे कि वो चीज़ें हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहिएगा, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। ट्विटर का अकाउंट मेरा जो है, ट्विटर का और इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे दिया होता है, तो आप कोई क्वेश्चन हो मुझसे वहाँ से पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, अपना ख्याल रखिएगा।